बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम, के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स है ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। अपडेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम अपडेट शेयर करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज है 8 मार्च, और 8 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर यौमुल निसा वुमेंस डे यानी कि खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक जैसे पूरी दुनिया के अंदर खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर भी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आप लोगों को यही कहेंगे कि खवातीन के हकूक का लाजमी ख्याल रखें, इनका एहतराम करें, इनको इज्जत दें, क्योंकि खवातीन के जरिए ही पूरे माशरे के अंदर तरक्की आ सकती है। अब बात करते हैं कुछ आरोपी की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक आरोपी की तरफ से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, और इसके ऊपर इल्जाम ये है कि इसने जाली मोहरें, जाली दस्तखत यानी जाली दस्तावेजात बनाकर इसने अपने काम निकलवाए हैं। इस हवाले से इसके ऊपर ये केस बना है, और आरोपी की तरफ से इस शख्स को पकड़ा गया, और इसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जा रही है। तो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को यही कहेंगे कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जाली मोहरें, जाली दस्तखत, इस तरह की तमाम दस्तावेजात करने से गुरेज करें, क्योंकि ये एक संगीन जुर्म है। अब आप लोगों को बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी खबर से आशना करेंगे, और ये खबर है स्पोर्ट्स के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ओमान न्यूज एजेंसी के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक दोफार ने 10वीं बार HM कप अपने नाम कर लिया है। जी, आप लोग देख सकते हैं कल रात को एक मैच हुआ दोफार वर्सेस स्वैक का, और दोफार ने 5 गोल किए और स्वैक ने 1 गोल किया, और इसकी बदौलत दोफार ने 10वीं मर्तबा HM फुटबॉल कप अपने नाम कर लिया। इससे पहले उन्होंने बताया कि 1976, 1980, 1981, 1990, 1999, 2004, 2006, 2011 और 2020 के बाद अब जो है दोबारा से दोफार ने अपने नाम ये HM कप कर लिया। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुशाइन बात है कि दोफार ने अब 10वीं मर्तबा HM कप फुटबॉल का अपने नाम कर लिया। अब आप लोगों को एक बहुत ही खास खबर से आशना करेंगे, और ये खबर है ओमान के अंदर मोटापे के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक बुक लॉन्च की गई है, और इस बुक का अनुमान रखा गया है ओबेसिटी इन ओमान, यानी कि ओमान के अंदर मोटापा। जी, इस बुक के अंदर तमाम मोटापे के हवाले से बात की गई है, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये भी बताया गया कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वो मोटापे का शिकार है, और इस बुक को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि इस मोटापे की बीमारी को रोका जा सके, और लोगों के अंदर इस हवाले से अवेयरनेस लाई जा सके कि मोटापा वाकई में ही एक बड़ी बीमारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सलीम और स्मार्ट रखे मेरी तरह। तो ये तमाम इस वक्त की कुछ अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।